ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम। अच्छा अच्छा अभी हमने जो जो टॉपिक है हमारा वो है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कल जो मैं अपलोड करूंगी वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड में ये फर्क है, सेक्स लिंक्ड में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज भी आ जाती है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी आ जाती है। बट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की हम बात करेंगे, और जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती हैं वो अगर डिफेक्टिव हो तो उसके जो रिजल्ट में जो डिजीजेस होती हैं उसको हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अभी जो हम लोगों ने पेडिग्री वगैरह की थी, तो मैंने आपको डिफरेंट पैटर्न्स बताए थे इनहेरिटेंस के, क्या मोड होता है या क्या पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का। उसमें हमने ये बात की थी कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस भी हो सकती है और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी हो सकती है। आगे ऑटोसोमल और जो सेक्स एक्स लिंक है उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि ऑटोसोम में डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकते हैं। इसी तरह जो एक्स लिंक है उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है। इस लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर तो जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी होंगी तो हम इसको बोलते हैं कि एक्स लिंक जीन्स है। ये हमने बात की हुई है ना कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं और 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के केस में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। सो अगर तो जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है तो हम उसको बोलते हैं कि एक्स लिंक जीन्स है। देयर आर वेरी फ्यू जीन्स लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे बहुत कम जीन्स पड़ी होती है। वही बात जो अभी मैंने की कि वुमेन के केस में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेन में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर तो जो जीन्स जो पड़ी हुई है एक्स क्रोमोसोम पे, अगर तो उनमें कोई भी मसला होता है, कोई चेंज हो, कोई मतलब चेंजेस आती हैं उसमें, या वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, तो हम उसको कहते हैं कि फॉल्टी जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, अब वो जो जीन चेंज है जो उसमें चेंज आया है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट में क्या बात की है, थर्ड पॉइंट में ये है, अ वुमन हु हैज अ रिसेसिव जीन चेंज इन वन ऑफ हर एक्स लिंक जीन कॉपीज एंड द अदर कॉपी दैट हैज द राइट इंफॉर्मेशन इज अ कैरियर ऑफ रिसेसिव फॉल्टी जीन एंड विल जनरली नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंडीशन। इसमें क्या बात की है कि वुमन के केस में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, अगर तो रिसेसिव जो फिनोटाइप है या अगर कोई रिसेसिव डिजीज है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों ही जो अलील्स हैं वो रिसेसिव हों और होमोजाइगस हों। तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें ये बात की गई है कि अगर तो वुमेन के दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन हो और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उसमें नॉर्मल जीन हो, तो क्या होगा कि उस वो कैरियर तो होगी रिसेसिव उसकी जीन की, बट वो अपने आप को शो नहीं करेगी। जो जो भी कंडीशन है उसको वो डिजीज होगी नहीं। डिजीज कब होगी, जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन्स पड़ी होगी तब होगी। बट मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, सो एक ही एक्स क्रोमोसोम पे एक रिसेसिव अलील आ गई तो वो अब जो कंडीशन है वो अपने आप को शो कर देगा। अगर तो मेल के केस में भी एक्स एक्स होता और एक एक्स पे रिसेसिव जीन होती, एक पे डोमिनेंट होती, तो फिर भी मेल कैरियर हो सकता था। बट अब केस ये है कि एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, सो एक एक्स पे एक भी रिसेसिव जीन आ गई, और क्योंकि उसके पास दूसरे एक्स क्रोमोसोम नहीं है कि उसको मास कर सके, तो वो डिजीज जो है वो मेल में शो हो जाती है। रिसेसिव जो एक्स लिंक डिजीजेज हैं वो मेल में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, और जो डोमिनेंट है वो वुमेन में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। इस पॉइंट की समझ लगी है आपको? जी मैम। कोई जी रिपीट मैम। करेगा ये जो थर्ड पॉइंट मैंने अरवा क्या बोला मैंने? मैम आपने बोले कि जो मेल होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उनके ऊपर जो एक्स लिंक क्रोमोसोम्स पे जो जो बेसिकली
जो डिजीज होती है वो शो होती है, लेकिन मेल्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स लिंक क्रोमोसोम होता है और एक वाई लिंक क्रोमोसोम होता है, इस वजह से शो नहीं होती डिजीज। नहीं, आप थोड़ा वो कंफ्यूज कर गए हो। मैंने ये बोला कि अगर हम रिसेसिव की बात करें ना, वुमेन के केस में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो वुमेन के केस में अगर तो हमें हमें मतलब कि अगर उसको डिजीज हो तो हमें क्या चाहिए, कब उसको डिजीज होगी, अगर उसके दो एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन्स पड़ी हुई, दो रिसेसिव अलील्स पड़ी हुई। बट अगर उसके एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील पड़ी हुई है और दूसरा जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, तो उसको डिजीज नहीं होगी, वो सिर्फ कैरियर होगी। अगर तो रिसेसिव इनहेरिटेंस तब होती है जब हमारे पास दोनों अलील्स रिसेसिव हो और होमोजाइगस हो। मेल के केस में मैंने क्या बताया, उसके केस में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। सो मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम पे एक रिसेसिव अलील आ गई, उसको वो डिजीज शो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो उसको मास्क कर सके। अब आई समझ? यस मैम, अब आ गई है। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ में आप देखें कि अ वुमन हु हैज अ डोमिनेंट चेंज इन वन ऑफ हर एक्स लिंक्ड जीन कॉपीज एंड अदर कॉपी दैट हैज द राइट इंफॉर्मेशन इज अ कैरियर ऑफ डोमिनेंट फॉल्टी जीन बट विल जनरली बी अफेक्टेड। अच्छा, इसमें क्या बात की है कि अगर तो जो वुमन है उसके एक भी जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे एक भी डोमिनेंट अलील आ गई तो वो जो ट्रेट है वो अपने आप को शो कर देगी, ठीक है। डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर एक अलील भी डोमिनेंट हो तो जो ट्रेट है वो हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, बट रिसेसिव में ये होता है कि हमें हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव अलील चाहिए। डोमिनेंट में होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटरोजाइगस भी हो सकता है। समझ आई या इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या मैं ये रिपीट कर दूं? यस मैम। अच्छा अच्छा जी, इसमें ये बात की है। अच्छा, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक हमारे पास सपोज करें कि एक जो डिजीज है वो रिसेसिव डिजीज है, एक जो है वो डोमिनेंट डिजीज है। रिसेसिव डिजीज कब होगी? जब हमारे पास दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हमारे पास दोनों जो अलील्स हैं वो रिसेसिव होंगी और होमोजाइगस होंगी, एक जैसी रिसेसिव अलील्स होंगी। डोमिनेंट के केस में डोमिनेंट डिजीज कब होगी? जब किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे भी डोमिनेंट आ गई अलील तो हमारे पास जो डिजीज है वो डोमिनेंट शो हो जाएगी, चाहे एक एक्स क्रोमोसोम पे भी डोमिनेंट अलील आ जाए, चाहे दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे भी डोमिनेंट अलील आ जाए। मींस कि डोमिनेंट होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेटरोजाइगस भी हो सकता है। सपोज करें एक का दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक पे कैपिटल आर है डोमिनेंट है, एक पे स्मॉल आर है वो रिसेसिव है, तो डिजीज कौन सी शो होगी, डोमिनेंट होगी कि रिसेसिव होगी? डोमिनेंट 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 होगी। और अगर दो एक्स क्रोमोसोम है और दोनों एक्स पे स्मॉल आर और स्मॉल आर है, मींस कि रिसेसिव को शो कर रहा है, तो जो डिजीज है वो रिसेसिव होगी कि डोमिनेंट होगी? हाँ, ये पॉइंट क्लियर हुआ या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एपिजेनेटिक्स व्हिच इन्वॉल्व्स स्विचिंग ऑफ मोस्ट वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन वुमेन। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट वुमेन एंड मेन हैव जनरली द सेम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जीन्स इन वर्किंग इन अ सेल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एपिजेनेटिक्स का भी रोल होता है। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है कि कुछ जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। स्विच ऑफ क्यों होते हैं? सो मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के जो जो वर्किंग एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेम नंबर हो, सो उससे भी ऑल्टरेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन कॉज्ड बाय फॉल्टी जीन ऑन द एक्स। द फॉल्टी जीन मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट। अच्छा, इसमें एक्स लिंक सॉरी अच्छा इसमें क्या बात की गई है कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कब होगी कि जब अगर तो जो जीन पड़ी हुई है एक्स क्रोमोसोम पे वो फॉल्टी जीन है,
तो उसके नतीजे में जो भी डिजीज होगी वो एक्स लिंक जीन डिजीज होगी. अब जो फॉल्टी जीन है वो डोमिनेंट भी हो सकती है, वो रिसेसिव भी हो सकती है. कंडीशंस दैट फॉलो पैटर्न ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस इंक्लूड हीमोफीलिया, डुशनी एंड बेकर टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. अब एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस में कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, वो हीमोफीलिया, डुशनी है, बेकर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. नेक्स्ट द चांस दैट अ चाइल्ड विल इनहेरिट एन एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन इन एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फॉर सन्स एंड डॉटर्स एंड डिपेंड ऑन वेदर द मदर और फादर हैज अ फॉल्टी जीन. अब ये बताया गया कि क्या जो एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशंस हैं वो क्या चांसेस होते हैं कि वो बच्चों में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे. ये डिफरेंट होते हैं, लड़कों के लिए भी डिफरेंट होते हैं, लड़कियों के लिए भी डिफरेंट होते हैं. वो एक किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि मदर के अंदर फॉल्टी जीन है या नहीं है, फादर के अंदर फॉल्टी जीन है या नहीं है, मदर कैरियर है या नहीं है. ये मदर और फादर पे डिपेंड करता है कि बच्चों में किस तरह से जो डिजीज है वो ट्रांसफर होगी. किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम. अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है. अब डिफरेंट वो केसेस जो है ना वो बताए गए हैं. व्हेन अ मदर इज अ कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉल्टी जीन, अगर तो मदर कैरियर है मींस कि उसके दो एक्स क्रोमोसोम है, एक पे स्मॉल आर है और एक पे कैपिटल आर है. कैपिटल आर स्मॉल आर में सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ सो आपको समझ आ जाए. ठीक है, वो कैरियर है रिसेसिव जीन की, तो इट मीन्स कि उसके वन इन टू चांस, मतलब कि अगर दो उसके बेटे हो रहे हैं तो उसमें से 1% चांस है कि एक बेटा जो है वो उसको डिजीज होगी. इसी तरह डॉटर्स में भी अगर दो डॉटर्स हैं तो उसमें से एक डॉटर का चांस है कि उसको जो है वो कैरियर हो सकती है अपनी माँ की तरह. आगे देखते हैं, अगर तो वो आते पुनर्स केयर तो मैं आपको पुनर्स केयर से करवा दूंगी, नहीं तो मैं आपको ये चीज जो है वो बोर्ड पर क्लियर करवा दूंगी. नेक्स्ट है, व्हेन अ फादर इज अफेक्टेड बाय अ कंडीशन, अगर तो फादर की जो है वो अफेक्टेड है और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉल्टी जीन है. अच्छा, फादर जो है वो कैरियर नहीं होगा इस केस में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसके ऊपर एक, उसके जो फादर है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक भी रिसेसिव एलील आ गई तो फादर का जो है वो कंडीशन शो हो जाएगी. अच्छा जी, ये बात की गई है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उसका कोई भी जो बेटा है वो अफेक्टेड नहीं होगा, बट उसकी जितनी सारी की सारी जो डॉटर्स हैं वो कैरियर होंगी. अब बेटा जो है वो अफेक्टेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटे ने अपने जो फादर है उससे वाई क्रोमोसोम लेना है, तो वाई तो नॉर्मल है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी मदर से लेना है. तो जो बेटा है वो सारे नॉर्मल होंगे और जो बेटियां हैं वो कैरियर हो सकती हैं, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम उसने फादर से लेना है बेटी ने और एक एक्स क्रोमोसोम उसने मदर से लेना है, सो वो कैरियर हो सकती है. बट उसमें से कोई भी जो डॉटर है, जो डॉटर्स है मोस्टली वो अनअफेक्टेड होंगी. Information regarding the appropriateness and availability of testing to determine if a woman is a carrier of an X-linked recessive faulty gene and testing in pregnancy where available and appropriate can be obtained from a local genetic counseling service. अच्छा, ये different hospital में या counseling service में जाके जो है ये test करवा के ये पता चल सकता है कि woman carrier है या नहीं है. अब ये बात की गई है कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है वो फ्यू होता है, वो कम होता है. जो एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस है, पैटर्न है, वो ज्यादातर शो होता है. अब जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है उसमें कौन सी एग्जांपल है, उसमें रेट सिंड्रोम आ जाता है. नेक्स्ट है, आर जीन्स लोकेटेड ऑन आर क्रोमोसोम्स इन आर cell providing the information for the growth, development and function of our body. When the information in the gene is changed, there is a different message sent to the cells. A change in the genetic code that causes the gene not to work properly is called mutation. अच्छा, अब जो हमारी जो genes हैं जो कि chromosomes में पड़ी होती हैं वो different information provide कर रही होती हैं,
कि बॉडी ने किस तरह से ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है, किस तरह से फंक्शन करना है. अगर तो जीन में कोई चेंज आता है तो वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, डिफरेंट तरह से एक्ट करती है. सो अगर कोई भी जीन जो कोई भी चेंज अगर जेनेटिक कोड में होता है और जेनेटिक कोड में चेंज होने की वजह से जो जीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो उसको कहते हैं कि म्यूटेशन हो गई है. कोई यहाँ तक क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं कि क्या इनहेरिटेंस पैटर्न होता है. द इनहेरिटेंस पैटर्न डिपेंड ऑन वेदर द फॉल्टी जीन इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर 1 to 22 कॉल्ड ऑटोसोम और ऑन एक्स क्रोमोसोम दैट इज वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम. Change in the genetic code that makes the gene faulty is recessive or dominant. अब इसमें क्या बात की गई है कि पैटर्न किस चीज पे, इनहेरिटेंस पैटर्न किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो जीन्स पे डिपेंड कर रहा है. अगर तो जीन्स जो है वो 1 to 2 क्रोमोसोम्स के ऊपर, 1 to 22, अगर तो 22 क्रोमोसोम्स तक जीन्स पड़ी हुई है किसी भी क्रोमोसोम पे, तो वो जो होगा वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगी. ठीक है, बट अगर जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी, सेक्स क्रोमोसोम में पड़ी है, एक्स क्रोमोसोम में पड़ी है, तो उसकी जो पैटर्न होगा वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न होगा. अब जो चेंज है जेनेटिक कोड में जिसकी वजह से जो जीन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, वो चेंज रिसेसिव भी हो सकता है, वो चेंज डोमिनेंट भी हो सकता है. अब 4 पैटर्न्स बताए गए हैं. ये जब हमने पेडिग्री की थी तब उसमें भी मैंने आपको बताया था 4 पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं. एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है. अब हम पहले बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव की. चेंजेस इन जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम आर मोर कॉमनली रिसेसिव. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन ड्यू टू अ रिसेसिव फॉल्टी जीन दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस. अब इसमें बात की गई है कि जो एक्स लिंक क्रोमोसोम पे ज्यादातर जो चेंजेस होती है ना वो रिसेसिव होती है. और ऐसी इनहेरिटेंस, ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो कि जिसकी जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है. द इफेक्ट ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव चेंज इन अ जीन दैट इज पार्ट ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन. जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव चेंज है वो मेन में डिफरेंट होता है, वुमेन में डिफरेंट होता है. अगर तो मेन में एक भी जो फॉल्टी जीन आ गई है एक्स क्रोमोसोम पे तो वो अपने आप को शो कर देगा. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा पार्टनर नहीं है, दूसरा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम नहीं है. सो मेन विल देयरफॉर बी अफेक्टेड बाय द कंडीशन ड्यू टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉल्टी जीन बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द सेल्स इवन व्हेन द जीन म्यूटेशन इज रिसेसिव. If the body can still work normally with the available gene product, the woman will generally have no health problem as a result of X-linked faulty gene copy, then she is a carrier. इसमें वही बात की गई है घुमा फिरा के जो हम लोग काफी दफा बात कर चुके हैं कि अगर मेन में होता है एक भी रिसेसिव जीन तो मेन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट वुमेन के केस में अगर फॉल्टी जीन है बट वो फिर भी नॉर्मली वो फंक्शन कर रही है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कैरियर हो सकती है. The change making the gene faulty is thus hidden or recessive to the unchanged information in the working copy of the genes. वही बात कि वो जो copy है, जो faulty gene है, वो या तो वो recessive होगी या वो जो है वो उसके दूसरा partner है वो properly work कर रहा होगा. In some cases, however, women who are carrier of faulty X-linked gene will show the effects. This can be because the normal random process of switching off one of the X chromosome that has been skewed strongly towards switching off the X chromosome carry the working copy of the gene. अच्छा इसमें क्या बात की गई है कि अगर तो कुछ केसेस में क्या होता है कि वुमेन जो है अगर तो फॉल्टी जीन फॉल्टी उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो है
और तो वो अपने आप को जो उसकी फिनोटाइप है या जो डिजीज है वो शो कर देगी. वो दो केसेस में हो सकता है, या तो वो दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उन पे दोनों फॉल्टी जीन्स पड़ी होंगी, या इस तरह भी हो सकता है कि एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हो, एक पे फॉल्टी जीन हो. जो नॉर्मल है वो उसकी स्विचिंग ऑफ हो जाए, वो डाइवर्ट हो जाए नॉर्मल फंक्शन से, तो भी वो अपने आप को जो है वो डिजीज उसकी वो शो कर सकता है. अच्छा, इसके केस में अगर तो स्विचिंग ऑफ हो जाती है तो जो वुमन है उसमें ज्यादा जो एक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें फॉल्टी जीन होगी, तो फॉल्टी जीन अगर ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स में है वो उसको जो डिजीज है वो शो हो जाएगी. अब डिफरेंट यहाँ पे केसेस बताए गए हैं कि अगर तो वुमेन है वो अनअफेक्टेड कैरियर है फॉल्टी जीन की, तो फिर क्या होगा, फिर क्या चांसेस हैं उसके बच्चों में डिजीज होगी या नहीं होगी वो देखते हैं. द चांसेस ऑफ अ वुमेन हु इज एन अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ अ फॉल्टी एक्स लिंक रिसेसिव जीन हैविंग अ अफेक्टेड चाइल्ड आर डिफरेंट फॉर हर सन एंड डॉटर्स. सन के लिए डिफरेंट चांस है, डॉटर्स के लिए डिफरेंट चांस है. वेयर द फॉल्टी, अच्छा फिगर में बताया गया, फिगर अभी देखते हैं कि फॉल्टी जीन कॉपी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड द वर्किंग कॉपी बाय कैपिटल आर. अब इसमें बताया गया कि अगर फॉल्टी जो जीन है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की गई है और जो वर्किंग है जो नॉर्मल जीन है वो उसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया. अभी हम डायग्राम देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा. अब इसमें चांसेस क्या है कि अगर उसके चार बच्चे होते हैं तो उसमें से एक बच्चा जो है, यानी कि 25% चांस है मीन जो बेटा है कि वो अपने जो फादर है उससे जो है वो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करेगा और अपनी जो मदर है उससे फॉल्टी जीन जो है वो इनहेरिट करेगा. मीन कि वो अगर चार बच्चे होते हैं तो एक बच्चे का चांस है कि उसमें जो है वो डिजीज हो सकती है. इन दिस केस नो वर्किंग प्रोडक्ट और अ राइट अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल. अच्छा, अगर बच्चे जो बेटा है उसने वाई क्रोमोसोम अपने जो फादर है उससे इनहेरिट किया है और मदर से जो फॉल्टी वाला एक्स क्रोमोसोम है वो इनहेरिट किया है, तो जो बेटा है उसको वो डिजीज शो हो जाएगी. समझ आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई? नो मैम. नो मैम. अच्छा ठीक है. अब जैसे हमने बात की कि चार बच्चे, चार बेटे हैं उसमें से एक का चांस है कि वो अफेक्टेड होगा, इसी तरह चार अगर बच्चे हैं तो एक का चांस है, 25% चांस है तो वो अफेक्टेड नहीं होगा. किस केस में नहीं होगा? कि जैसे एक बेटा है उसने वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लिया, वो नॉर्मल है, और एक जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से लिया, मदर कैरियर थी ना, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल था, एक जो फॉल्टी था. तो अगर तो बेटा जो है वो फॉल्टी करेगा इनहेरिट अपनी मदर से तो उसको डिजीज हो जाएगी, अगर वो फॉल्टी नहीं करेगा तो वो नॉर्मल होगा. अभी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा. रिमेनिंग जो होगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी. अब डॉटर्स की बात करते हैं. वन चांस इन फोर के चार में से एक डॉटर का जो चांस है वो ये है कि जो डॉटर है वो दोनों की दोनों जो उसकी कॉपीज हैं वो ठीक होंगी, फादर से भी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आए और मदर से भी एक्स क्रोमोसोम आए, तो वो ना तो कैरियर होगी ना ही उसको कोई डिजीज होगी. बट चार में से 1% चांस, एक बच्चे का चांस है, 25% चांस ये है कि जो डॉटर है वो कैरियर होगी. किस केस में? के फादर से जो है वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मदर से जो है वो फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, इस केस में जो है वो कैरियर होगी. इसकी डायग्राम देख लेते हैं. जैसे ये देखो, ये जो मदर है ये कैरियर है और जो फादर है ये नॉर्मल है. अब इनके जो बच्चे हैं, इसका एक जो डॉटर है वो कैरियर है, एक डॉटर नॉन कैरियर है, एक जो बेटा है वो अफेक्टेड है क्योंकि इसने अपनी मदर से जो है वो फॉल्टी जो जीन है वो इनहेरिट की थी, और जो एक बेटा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉन कैरियर है. ये केस हमने एक केस को डिस्कस किया. अब दूसरा केस देख लेते हैं. अगर समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, तो मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ. कोई मसला है तो मुझे बताएं. अभी मैम ये डायग्राम वाला दोबारा बता दे, वो पहले शो नहीं हो रही. मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. ये अब आपको शो हो रही है? नो मैम, डायग्राम नहीं शो हो रही. किसी को भी नहीं शो हो रही ये डायग्राम? मैम हो रही है.
अच्छा ये जो लेफ्ट साइड पे ना ये वाली आपने देखनी है डायग्राम, ठीक है, ये जिस पे मेरा कर्सर है, ये देखो वुमेन है, वुमेन में जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, एक पे जो है वो ये फॉल्टी जीन है और एक पे नॉर्मल जीन है, ये समझ आ रही है आपको, ये कैरियर है। yes, ma'am. और जो फादर है वो नॉन कैरियर है, उसको कोई डिजीज नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी फॉल्टी जीन नहीं है, उसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है उस पे नॉर्मल जीन है, ठीक है, समझ आई यहाँ तक। yes, ma'am. अब जब उसे गैमेट्स बनाएंगे, वुमेन में एग्स और मेल में स्पर्म्स, नहीं मेल में स्पर्म्स, तो उसके अब देखते हैं उसमें क्या चांस होंगे, ये जब क्रॉस कराएंगे ना, ये मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी, मे बी आपको अभी समझ ना आई हो। ये देखो एक जो ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इससे मिलेगा तो क्या होगा कि जो डॉटर है ये कैरियर होगी, देखो ये एक एक्स क्रोमोसोम कैरियर है और ये नॉर्मल है ना, ये समझ आई? यस क्या नहीं आई? अच्छा अब ये दूसरा वाला ये गैमेट देखें, ये वाला जब गैमेट इससे मिलेगा तो ये नॉर्मल, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन्स हैं, दोनों पे नॉर्मल एलील्स हैं, इट मींस कि ये जो डॉटर है ना कैरियर होगी ना इसको कोई डिजीज होगी, ठीक है। यस मैम। अब अगर हम सन की बात करें तो सन में देखो कि एक जो ये जो एक अगर तो सन ये फॉल्टी इनहेरिट करता है अपनी मदर से और ये वाई क्रोमोसोम अपने ये जो फादर है उससे इनहेरिट करता है तो ये अफेक्टेड होगा क्योंकि इसने अपनी मदर से जो है वो फॉल्टी जो अलील है वो इनहेरिट कर ली है, अब ये अफेक्टेड होगा, ये जो बेटा है इसको डिजीज होगी। बट दूसरे केस में अगर तो जो बेटा है वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से इनहेरिट करता है और वाई क्रोमोसोम जो है वो अपने फादर से इनहेरिट करता है तो ये नॉर्मल होगा, इसको कोई डिजीज नहीं होगी क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम पे जो अलील है वो नॉर्मल है। अब आई समझ? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं अभी भी। नो मैम, आ गई है मैम। ओ मैम आ गई है समझ। चलिए ठीक है। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में भी ये देखने के नॉन कैरियर मदर है और जो फादर है वो अफेक्टेड है, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बनेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें ना शो नहीं किया गया, हाँ ये तो नॉन कैरियर है ना, ये नॉर्मल है, तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम अपने जो है वो मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम ले रही है और फादर से जो है ये फॉल्टी वाला एक्स क्रोमोसोम ले रही है तो ये फॉल्टी जो होगा ये होगी कैरियर, ये वाली जो डॉटर होगी क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल है और एक जो है वो रिसेसिव है। और इसकी समझ लगी आपको? जी मैम। या नहीं लगी समझ? हम आ गए समझ। एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। अच्छा ये देखो ये इसकी मदर है, ये इसका फादर है, एक एक्स क्रोमोसोम, ये जो मदर है इसके पास दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है दोनों के दोनों नॉर्मल है, जो फादर है वो अफेक्टेड है, उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो फॉल्टी है, ठीक है। अब ये जो डॉटर आई है, डॉटर ने एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से ली है और एक जो फॉल्टी जो क्रोमोसोम है वो अपने फादर से ली है, सो इसके जो ये जो होगी ये कैरियर होगी। कैरियर क्यों होगी? क्योंकि इसके पास एक रिसेसिव आर है, अगर दोनों आर आर होते ना तो मैं आपको कहती कि ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड होगी, बट अभी इसके पास एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है और एक जो है वो फॉल्टी है तो ये कैरियर होगी, समझ लगी? यस मैम। दूसरी डॉटर में भी सेम यही केस आएगा कि एक इसने एक्स क्रोमोसोम अपनी लेना है मदर से, एक एक्स क्रोमोसोम लेना है फादर से, मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ गया और फादर से फिर वही फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो ये भी जो डॉटर है ये कैरियर होगी, मतलब कि 50% चांसेस हैं कि जो डॉटर्स हैं वो कैरियर्स होंगी। अब बेटों में देखते हैं, बेटों ने एक जो नॉर्मल क्रोमोसोम है अपनी मदर से इनहेरिट किया है और एक जो वाई क्रोमोसोम है अपने फादर से इनहेरिट किया है, दूसरे बेटे ने भी सेम एक जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो अपनी मदर से इनहेरिट किया है और एक जो वाई क्रोमोसोम है वो अपने फादर से इनहेरिट किया, तो जो दोनों बेटे होंगे वो नॉर्मल होंगे और जो दोनों बेटियां होंगी वो कैरियर होंगी, इस केस में कोई भी किसी को भी डिजीज नहीं होगी, समझ आई आपको? यस मैम। अच्छा बेटा ये आज का लेक्चर था, ये जो मैंने आपको दूसरी डायग्राम बताई है ना ये जो आगे थ्योरी है सेम चीज उसमें बताई गई है, तो ये मैं आपको नोट्स दूंगी जब आप लोग कॉलेज में आएंगे और कॉलेज में भी हम एक दफा इसको रीड करेंगे और बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे
आपको फिर ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, अगर आप दोबारा रीड करते हैं और दोबारा कोई भी आपको मसला होता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है? ओके मैम. चलें आप ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका. यस मैम, ले लिया. चलें ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम.